बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर पहले फेज की वोटिंग आज बुधवार को शुरू हो गई है। आपको बता दें कि बिहार में चुनाव को लेकर तीन फेज में वोटिंग होनी है। आज पहले फेज की 71 सीटों पर वोटिंग जारी है। 1066 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें 952 पुरुष और 114 महिलाएं हैं। दूसरे फेज की वोटिंग 3 नवंबर और तीसरे फेज की वोटिंग 7 नवंबर को होगी। नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। कोरोना के चलते चुनाव आयोग ने वोटिंग का समय 1 घंटे बढ़ाया है, लेकिन अलग अलग सीटों पर वोटिंग खत्म होने का समय अलग अलग है। 4 सीटों पर सुबह 7 से शाम 3 बजे तक वोटिंग होगी, वहीं 26 सीटों पर शाम 4 बजे तक, 5 सीटों पर 5 बजे तक, बाकी 36 सीटों पर 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में आज पहले दौर की वोटिंग है। सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे कोविड संबंधी सावधानियों को बरतते हुए लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करें। 2 गज की दूरी का ध्यान रखें, मास्क जरूर पहने। याद रखें, पहले मतदान फिर जलपान। अब आपको 71 सीटों पर वोटिंग का ट्रेंड भी जानना चाहिए। आइए जानते हैं कि 9 बजे तक किस जिले में कितनी वोटिंग हुई। बांका 9.7%, मुंगेर 4.5%, जमुई 6.3%, भोजपुर 5.8%, बक्सर 6%, शेखपुरा 5.8%, कैमूर 3.9%, रोहतास 6.5%, अरवल 5.1%, गया 7%, लखीसराय 6.7%, पटना 5.5%, भागलपुर 3.2%, नवादा 7.6%, औरंगाबाद 9.9%, जहानाबाद 6.3%। बिहार में सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई थी। कई बूथों पर कोरोना से बचाव के उपाय, सैनिटाइजर और टेम्परेचर मापने के लिए थर्मल गन दिखी। हालांकि कई जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग नदारद रही। इसके साथ ही कई वोटरों और मतदान अधिकारियों ने मास्क पहनने में कोताही बरती। यहां तक कि लखीसराय में वोट डालने पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो मास्क पहना था, पर उन्हें वोट डलवा रहे पीठासीन अधिकारी का मास्क ठुड्डी पर था। कई बूथों पर गड़बड़ियां देखने को मिल रही हैं। गया के वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र में एक वोटर के हाथ पर लगाई गई स्याही ही मिट गई। यहां मुफस्सिल थाना क्षेत्र से सटे बूथ पर पंकज नाम के वोटर वोट देकर जैसे ही बाहर निकले, उनकी उंगली पर लगे निशान को लेकर सवाल किया गया। उन्होंने बताया कि उंगली पर निशान तो लगाया था, पर वह कुछ ही सेकंड के अंदर मिट गया। यह कौन सा निशान है जो मिट जाता है? मतदान शुरू होने से पहले औरंगाबाद के बालूगंज में 2 IED मिले। CRPF ने सर्च अभियान के दौरान मिले इस IED को डिफ्यूज कर दिया। यह इलाका नक्सल प्रभावित है। इससे पहले मंगलवार को गया के इमामगंज में 2 IED मिले थे। CRPF ने इसे भी डिफ्यूज कर दिया था। आरा की शाहपुर विधानसभा के बिहिया गांव के बूथ 286, मुंगेर विधानसभा 165 के बूथ 231, नोवागढ़ी महादेवपुर सरकारी बंगले पर EVM खराब होने से फिलहाल मतदान बाधित है। मुंगेर के नोवागढ़ी में EVM में राजद प्रत्याशी के चुनाव चिन्ह के सामने बटन नदारद मिला। नवादा जिले के हिसुआ विधानसभा क्षेत्र के फुलमा गांव के बूथ 258 पर भाजपा के पोलिंग एजेंट कृष्ण प्रसाद सिंह की हार्ट अटैक से मौत हो गई। उन्हें अचानक सीने में दर्द हुआ। इलाज के लिए अस्पताल ले जाते वक्त उन्होंने दम तोड़ दिया। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।